Hello guys, welcome back to Java 3. This is Alok Pandey and this is third lecture on HTML 5. Okay, so let's continue. हम लोगों ने अभी तक जो देखा था कुछ बेसिक चीजें देखा था HTML 5 का एंड अब हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे पैराग्राफ टैग हमारा कैसे कमेंट टैग यूज करते हैं यानी यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने HTML लेक्चर 2 ही लिखा है लेकिन ये लेक्चर 3 है, ये थोड़ा मिसिंग है, उसे इग्नोर करो। यहाँ पे बाकी के फॉर्मेटिंग टैग्स हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कमेंट टैग एंड फाइनली ड्यू टैग, ये तीनों टैग हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पहले फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स एक्चुअल में होता क्या है, अभी मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ उसको हम बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज्ड, मार्क, न्यू है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जनरली हम ये सारे इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करते हैं। ये इसका मैं एक्चुअल में जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे फॉर्मेट करना है, कुछ नया शेप देना है, शेप इन द सेंस उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो मुझे फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करना है। इसमें से कुछ डेप्रिकेटेड है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा एंड जो हमारे न्यू है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग टैग था, इसमें से जितने भी यहाँ पे मेंशन है वो सारी चीजें मैं देखने वाला हूँ। आई थिंक ये 10 या 11 है इस लेक्चर में, वो सारे देखने वाला हूँ। एंड इसके बाद में क्या देखूंगा, ड्यू टैग। ड्यू टैग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हर लाइफ में, इवन कोई भी नॉर्मल डेवलपर भी इसे यूज करते हैं। ड्यू टैग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ड्यू हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसके अंदर मैं मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के अदर एलिमेंट्स को मैं रख सकता हूँ, स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। इन द सेंस ये ड्यू को मैं एज अ कंटेनर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा मेन ड्यू, ठीक है, एक ड्यू मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं एक दूसरा ड्यू रख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे रखा ड्यू अनदर ड्यू। इसके अलावा आप एक अलग पैराग्राफ रख सकते हो जिसे पैराग्राफ है, इसके अलावा आप स्पैन टैग रख सकते हो, इसके अलावा और भी आप ड्यू रख सकते हो, मल्टीपल ड्यूज रख सकते हो, मल्टीपल पैराग्राफ रख सकते हो, स्पैन रख सकते हो, यानी ड्यू हमारा वर्क करता है सेम एज कंटेनर। आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आपको जो चाहिए आप इस ड्यू के अंदर लिख सकते हो, इवन आप टेबल बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, तो ठीक है चलो हम जंप करते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एंड हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, कि यूज करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सो नोटपैड मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रहा मेरा नोटपैड एंड जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट जो हम लास्ट लेक्चर में देखे थे कुछ ये सारे टैग्स थे, अगर आप नहीं देखा तो मैं बता दूं ये सारे टैग्स कैसे यूज होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपको टैग्स चाहिए तो, ठीक है। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स से। सो फॉर्मेटिंग टैग्स, यहाँ पे मैं कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, सपोज मैं ये सर पहले का निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे पहले से इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ जो सेकंड एस्टिमेल बनाया था उस पर ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। लिंक हम लोगों ने बनाया था उसके ऊपर सेकंड का बनाया था ना, तो मैं उस पर ही काम कर लेता हूँ। मैं कुछ चीज़ें कॉमन थी तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी एंड फिर स्लैश हेड एंड देन बॉडी। कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसे आप यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फटाफट स्लैश बॉडी। इवन आप अगर नोटपैड प्लस प्लस में काम करो तो इसका आप एक ब्लॉक बना के रख सकते हो, एक ऐसा मैं इस बारे में बताऊंगा आपको, मतलब एक मैं शॉर्टकट बना के रखूंगा। ये जितने भी कॉमन चीजें मुझे बार बार लिखनी पड़ती है, तो नोटपैड प्लस प्लस में ऐसे फीचर्स है जो मुझे प्रोवाइड करते हैं कि मैं एक बार में उसे बना के रख सकूँ और बार बार उसको यूज कर सकूँ, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं बेसिक चीज़ें तो कोई बात नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बॉडी, बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल सा कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे जावा 3. मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कुछ इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पहला मैं फर्स्ट पास करता हूँ बोल्ड बी, आपको बोल्ड करने के लिए सिर्फ बी पास करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बी पास करता हूँ एंड स्लैश बी आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी के सारे टैग्स भी मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सपोज स्ट्रॉन्ग ओके एंड स्लैश स्ट्रॉन्ग
strong, sorry. Okay, ये strong. मैं इसके अंदर में कुछ और लिखता हूँ. Next, Java driven. नहीं Java driven, ठीक है. मैं इसे सेव करता हूँ और एक एक करके इफेक्ट देखता जाऊंगा. इससे अच्छा मैं सबसे पहले सब लिख लूँ, फिर एक एक मैं इफेक्ट आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए. ओके, सो मैं बाकी के कुछ और भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. जैसे जैसे आई इटैलिक. इटैलिक शायद आप अगर वर्ड यूज करते हो तो आप ये वर्ड यूज किया होगा ऑलरेडी. इटैलिक क्या होता है, बोल्ड क्या होता है. नहीं यूज किया है तो कोई बात नहीं है. अभी मैं यहाँ पे जब आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. बट इतना समझ लो, इन दोनों का यूज, इटैलिक एंड ईएम दोनों का यूज हमारे टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए. इटैलिक इन द सेंस कैसे बोलूं, जैसे अभी यहाँ पे स्लैश आप देख सकते हो, थोड़ा सा तिरछा है. उस तरह से अगर मुझे बनाना है तो ये हमारा सेम वर्क करता है, ठीक है. सो मैं यहाँ पे स्लैश पास करता हूँ एंड मैं कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, इटैलिक टेक्स्ट. एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ एम्फेसाइज, टेक्स्ट. ओके, अभी ये चारों को पहले देख लेते हैं, ठीक है. सो मैं इसे रन करता हूँ सिंपल. इंटेक्स एक्सप्लोरर में आप यूज कर सकते हो, मेरा हायर वर्जन है तो इफेक्ट करेगा. ओके, यहाँ पे सब एक ही लाइन में आ रहा है. सोचो अगर मुझे एक लाइन से दूसरे लाइन में प्रिंट करना है तो आप ब्रेक यूज कर सकते हो यहाँ पे. एंड जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बी आर. ये क्या करता है, एक लाइन से दूसरे लाइन में मुझे लाने के लिए हेल्प करता है. मैं सिंपल यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हर जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो अगर मुझे बार बार लिखना ना पड़े. Ctrl V एंड Ctrl V, जस्ट सेव इट एंड लेट्स चेक इट अगेन. ओके, एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे जाके F5. ओके, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वन जावा 3 बोल्ड में आ रहा है. सेकेंड वन भी हमारा नेक्स्ट जावा 3 जो लिखा है वो भी हमारा बोल्ड में ही आ रहा है, ठीक है. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर देखें हम तो डिफरेंस क्या है एक्चुअल में. यहाँ पे जो फर्स्ट वन है बोल्ड वाला टैग, पहली चीज तो वो डेप्रिकेटेड है. आप उसे रिकमेंड नहीं, एचटीएमएल उसे रिकमेंड नहीं करता यूज करने के लिए. तो आप उसे भूल ही जाओ, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग यूज करो. स्ट्रॉन्ग ही आपको यूज करना है, एचटीएमएल 5 में आया है ये स्ट्रॉन्ग वर्ड. सेम चीज नीचे जो इटैलिक लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा तिरछा हमारा टेक्स्ट आ रहा है और नीचे वाला जो इम्फेसाइज लिखा है दोनों हमारा तिरछे में ही आ रहा है. बट डिफरेंस सबसे पहली चीज ये एचटीएमएल 5 के पहले का है इटैलिक, एंड जबकि हमारा इम्फेसाइज टेक्स्ट क्या है, ये हमारा एचटीएमएल 5 के पार्ट्स है. तो आप ध्यान दो इसे, आप जब पास कर रहे हो तो हो सकता है ये फ्यूचर में आपको सपोर्ट ना करे. इम्फेसाइज टेक्स्ट सपोर्ट करेगा लेकिन इटैलिक आपको सपोर्ट ना करे या फिर बोल्ड आपको सपोर्ट ना करे आपके ब्राउजर्स में. तो बेटर होगा आप जैसे जैसे हमारे ब्राउजर्स अपडेट होते जाते हैं वैसे वैसे नए टैक्स को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और वो सारे नए न्यू जो टैक्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है. तो इसलिए आप ध्यान रहे, आप इटैलिक फर्स्ट वन ये एंड दूसरा हमारा ये बोल्ड को यूज करना बंद कर दें एंड आप यूज करो स्ट्रांग उसकी जगह पे एंड इम्फेसाइज यूज करो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. अगर सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद याद होगा सुप. एंड मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ. सपोज मैं स्लैश SUP सुप, मैं इसे एज इट इज क्लोज कर देता हूँ एंड सब भी देख लेता हूँ. थिंक मुझे क्या चाहिए, जनरली जब मैं नंबर्स लिखता हूँ नंबर्स के साथ में सुपर स्क्रिप्ट यानी स्क्वायर एंड सेम बेस जिसे बोलते हैं हम वो यूज करते हैं, उसके लिए आपको यूज करना है इस तरह से. सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड मैं यहाँ पर पास करता हूँ 1 2, तो ये मेरा हो गया सुपर. एंड अगर मैं सब्सक्रिप्ट की बात करूँ तो मैं सब्सक्रिप्ट के लिए भी देख लेता हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपको सिंपल यूज करना है /SUB, जस्ट क्लोज इट एंड यहाँ पे आ जाओ कुछ यहाँ पे टेक्स्ट. तो सपोज मैंने स्क्वायर 8 डाल दिया बस एंड मैं यहाँ पे एक ब्रेक डाल देता हूँ सो दैट वी एंड वी सो दैट दोनों अलग अलग लाइन में. सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, F5 करते हैं. यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन हमारा यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसे. देखो फर्स्ट वन जो हमारा था सुपर स्क्रिप्ट
एंड सब्सक्रिप्ट, इन दोनों का इफेक्ट देखो। इसमें सुपरस्क्रिप्ट के अंदर हमने सिर्फ 12 पास किया था एंड सब्सक्रिप्ट के अंदर 8 पास किया, तो बाय डिफॉल्ट वो सब्सक्रिप्ट बन के आएगा, यानी जो पहले से जो टेक्स्ट है उसके थोड़ा सा नीचे आएगा एंड सुपरस्क्रिप्ट उसके ऊपर आएगा। जैसे हम मैथ में लॉजिक लगाते हैं पास करते हैं, सेम चीज़ है वही भरना, ठीक है। फिर से नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट के अलावा यहाँ पे तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे सपोज मार्क। मार्क भी एक हमारा एलिमेंट है एंड इसको कैसे यूज करते हैं अभी पता चलेगा। मार्क एंड मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, सपोज मार्क्ड टेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्मॉल पास करता हूँ स्मॉल, एंड मैं यहाँ पे स्लैश स्मॉल, नेम से ही सबका पता चल रहा है क्या हो सकता है स्मॉल। एंड यहाँ पे मैं इस कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं बी आर पास करता हूँ वी एंड वी, ठीक है। जस्ट सेव इट, गो देयर एंड जस्ट डू इट रिफ्रेश, लेट मी डू इट रिफ्रेश। ओके, मार्क टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट देखो येलो कलर में आ रहा है, इन द सेंस वो मार्क करके रखता है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, ठीक है। एंड स्मॉल टेक्स्ट के अंदर हम कुछ पास करते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने कुछ ऐसे ही पास किया रैंडमली, सेव करता हूँ एंड जस्ट डू इट रिफ्रेश F5। आप देख सकते हो पहले के जो टेक्स्ट है ये हमारा थोड़ा बड़ा है इस आगे के टेक्स्ट से, ठीक है। ये हमारा छोटा है और उसके पहले के जो टेक्स्ट लिखे थे स्मॉल के पहले वो हमारा थोड़ा सा बड़ा है। स्मॉल सिंपली हमारा स्मॉल में प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे स्मॉल में चाहिए तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस पास करता हूँ, सेव करता हूँ, स्पेस एक्चुअली इफेक्ट नहीं करता है ब्राउज़र में, फिर भी एक स्पेस तो आएगा ही एटलीस्ट। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये वाला पार्ट जो है थोड़ा छोटा है जो कि स्मॉल के अंदर पास किया था, और जो बिना स्मॉल के पास किया था थोड़ा बड़ा है, ठीक है। डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारा, आई होप ये भी समझा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डिलीट देख लेते हैं, इंसर्टेड देख लेते हैं। ये भी दोनों हमारा न्यू टेक्स्ट है, ये कैसे वर्क करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो डिलीट के लिए आपको यहाँ पे पास करना है डेल एंड इसे क्लोज कर दो एंड कुछ भी टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे एंड स्लैश DEL यहाँ पे पास कर दो डेल एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डिलीट और क्या था डिलीट एंड इंसर्टेड उसके लिए आपको पास करना है INS एंड जस्ट ले स्लैश INS। ओके, मैं यहाँ पे कुछ पास करता हूँ रैंडमली, जस्ट सेव इट एंड चेक इट अगेन, डू इट रिफ्रेश। ओके, देखो अभी इन दोनों का इफेक्ट भी देख लो। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको ब्रेक देता हूँ एंड BR एंड स्लैश पास करने की जरूरत है BR, ठीक है। कंट्रोल सेव F5। ओके, बाय डिफॉल्ट जिसे हम लोगों ने जिस टेक्स्ट को हम लोगों ने इसके अंदर लिखा था जो हमारा डेल था, बाय डिफॉल्ट वो हमारे स्ट्राइक में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्राइक इन द सेंस वो टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ रहा है जिसका मीनिंग क्या है कि ये टेक्स्ट हमारा डिलीटेड है। आप यहाँ पे आउटपुट ध्यान दोगे थोड़ा सा तो दिखेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो डिलीटेड है एंड ये हमारा जो हमने इंसर्टेड लिखा बाय डिफॉल्ट वो अंडरलाइंड है, ठीक है। आप UL भी यूज करते थे, आप अब जो अगर यूज कर रहे हो आप HTML5 पढ़ तो आपको यूज करना है ये दोनों टेक्स्ट डिलीटेड के लिए एंड इसके लिए, ठीक है। इवन आप स्ट्राइक थ्रू भी यूज कर सकते थे पहले, अभी वो हम सिर्फ स्टाइल के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स TT एंड यहाँ पे स्लैश TT एंड इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ सपोज आलोक पांडे एंड जस्ट सेव इट, यहाँ पे बिल डाला है ऑलरेडी, सो जस्ट डू इट रिफ्रेश F5। बाय डिफॉल्ट ये मोनोस्पेस फॉन्ट में आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। जो TT टैग मैंने पास किया बाय डिफॉल्ट उसका स्टाइल फॉन्ट फैमिली क्या रहेगा, मोनोस्पेस। यहाँ पे देख सकते हो बाकी टेक्स्ट एंड इसका स्टाइल में फॉन्ट फैमिली में डिफरेंस है, फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। मैंने इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि इसका देखो और इसका मैच करोगे तो अलग दिखेगा। तो ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स थे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, बहुत ही इजी था, इसमें ज़्यादा सोचने जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, आई होप और कुछ हमारा बाकी नहीं होगा इस फॉर्मेटिंग में।
सो स्ट्रॉन्ग इटैलिक इम्फेसाइड मार्क स्मॉल लेट इंसर्ट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इटी सब हो गया है। अब हम देखते हैं ड्यू का पार्ट, ठीक है, ड्यू कैसे हम एक्चुअली ड्यू को यूज करते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेम एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये सारी चीज़ें मैं एक ड्यू के अंदर पास कर सकता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक ड्यू के अंदर पास कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ड्यू डी आई वी एंड फाइनली लास्ट में जाके मैं क्लोज कर देता हूँ स्लैश डी आई वी, ठीक है। ये दुनिया भर की चीज़ें एक कंटेनर के अंदर आ चुकी है। अब ये कंटेनर हमारा कौन है, ड्यू। अभी तक इसका कंटेनर बॉडी था लेकिन अब मैंने इस कंटेनर को ड्यू बना दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करो, जैसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बैकग्राउंड कलर एंड मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे, सेम यू, जस्ट सेव इट एंड डू इट रिफ्रेश अगेन, ओके, F5 करता हूँ। अब ये सब देखो एक कंटेनर के अंदर आ चुका है, ये हमारा कंटेनर है ड्यू, ठीक है। अभी इसके अंदर आप बहुत सारे ड्यू डाल सकते हो, आप पैराग्राफ यूज कर सकते हो, जो चाहिए वो यूज करो, जितने भी एलिमेंट्स चाहिए आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये ड्यू भी समझ में आया होगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और ड्यू बना सकता हूँ, जैसे ड्यू, ठीक है, एंड वापस इसको मैं क्लोज करता हूँ स्लैश डी आई वी, मैं यहाँ पे पास करता हूँ सेकेंड एंड ड्यू। एंड अगर मैं इसको भी स्टाइल अप्लाई करूँ जो मैंने ऊपर बनाया था बैकग्राउंड कलर के लिए, सो देखो यहाँ पे जो स्टाइल अप्लाई हो रहा है दोनों को भी मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा एंड दोनों के ऊपर स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा एंड दोनों भी हमारा ब्लॉक लेवल है तो दोनों हमारे बाय डिफॉल्ट किसका हमारा ये लेंगे विड्थ हाइट किसका लेंगे कंटेनर का। तो कंटेनर अभी इंटरनल ड्यू का कंटेनर कौन है, एक्सटर्नल ड्यू, एंड एक्सटर्नल ड्यू का कंटेनर कौन है, हमारा बॉडी खुद है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कलर पास करता हूँ एंड कलर के बाद मैं यहाँ पे इसको सपोज रेड पास कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट सेव इट एंड ट्राई टू डू इट रिफ्रेश, सेव टैब F5, व्हाट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, सेव किया है ना, फिर से देखते हैं ड्यू स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड सेम इक्वल, यहाँ पे आपको डबल कोट्स मैंने मिसिंग किया था, इसे क्लोज कर दो, ओके, एंड जस्ट गो ओवर देयर डू इट रिफ्रेश। बाय डिफॉल्ट देखो लास्ट का हमारा अभी बॉडी का नहीं, ये हमारा लेयर है कंटेनर का ड्यू का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ड्यू का हाइट विड्थ पास करूँ, किस ड्यू का, एक्सटर्नल ड्यू का जिसका बैकग्राउंड ग्रे है, तो उसका मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ पास कर देता हूँ, मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट तो हमारा जिस कंटेनर के अंदर रहेगा उसका विड्थ लेता है 100%, लेकिन मैं उसे चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल पिक्सल्स में पास कर देता हूँ 500px। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंटरनल ड्यू है उसका भी विड्थ ऑटोमेटिक छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने उसका साइज छोटा किया तो ऑटोमेटिक इंटरनल जो ड्यू था हमारा उसका भी साइज छोटा हो चुका है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारा ड्यू के अंदर, मल्टीपल ड्यू डाल सकते हो, पैराग्राफ डाल सकते हो, कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये ड्यू समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सो हाँ, और अभी भी देखना था कमेंट टैग्स। कमेंट टैग एक ऐसा टैग है जिसे लिखने से उस टैग्स के अंदर आप जो भी कुछ भी लिखते हो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी हमारे ब्राउजर पे उसका आउटपुट शो नहीं होगा। एक ऐसा टैग जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ पास करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही ये देखो डाला तो बाकी के सारे हमारे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, मतलब क्या है कि अब इसमें से एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ इस तरह से सेव करके करता हूँ, मैं यहाँ से ये ब्रैकेट्स भी निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ एंड जाके मैं सिंपल अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा एंड सिंपल रन में क्लिक करके IE ओपन कर लेता हूँ। देखो मेरा कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सबके सब कमेंटेड है। अब मैं क्या करूँगा, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कमेंट करके रखना है, जैसे इट्स अ फॉर्मेटिंग टैग, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, मतलब ये हमारा एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे मैंने ये हमारा कमेंट का ओपनिंग था टैग्स एंड ये हमारा कमेंट का क्लोजिंग टैग्स था, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही है, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इट्स अ फॉर्मेटिंग टैग्स प्रिंट नहीं होना चाहिए हमारे ब्राउजर के अंदर। मैंने सेव किया एंड सिंपली जाके मैं रन करता हूँ IE में, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जावा 3 पॉइंट से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ फॉर्मेटिंग टैग्स नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जावा 3 पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो कुछ इस तरह से हो, ठीक, ओके। सो सिंपल
मैं अभी ओके सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ऑलवेज रेडी रहूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, वैसे बीजी है एसटीमा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है तो आप ये कर सकते हो। बाकी का स्टाइलिंग के बारे में स्टाइल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं एसटी टेक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो एंड स्टडी कंटिन्यू रखो। एंड एक वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो इंपॉर्टेंट है।